हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक एजुकेशन। आज हम निम्मी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? ए में 90 डिग्री, बी में 120 डिग्री, सी में 180 डिग्री और डी में 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए में है 180 डिग्री बटा नंबर ऑफ स्लॉट्स, बी में 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स, सी में 180 डिग्री बटा नंबर ऑफ पोल्स और डी में 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो इसका सही उत्तर है डी 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? ए में 360 डिग्री, बी में 720 डिग्री, सी में 1080 डिग्री और डी में है 1440 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P बराबर क्या दे रखा है? 6 पोल। तो इसके जो फॉर्मूले अपन इसका मान रख देंगे तो 180 इंटू पोल की संख्या, तो इसको सॉल्व करने पर 180 इंटू पोल की संख्या की जगह अपन 6 रख देंगे और इसको सॉल्व करने पर इसका उत्तर आ जाएगा 1080, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी 1080। फूड मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? ए में यूनिवर्सल मोटर, बी में रिपल्सन मोटर, सी में शेडेड पोल मोटर और डी में परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका उत्तर है ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? ए में 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री, बी में 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, सी में 9 इलेक्ट्रिक डिग्री और डी में 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसका सही उत्तर है सी 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? ए में केवीए, बी में किलोवाट, सी में मेगावाट और डी में केवी। तो इसका सही उत्तर है ए केवीए। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए एक्साइटर, बी इन्वर्टर, सी कन्वर्टर और डी सिंक्रोनाइजर। तो इसका सही उत्तर है ए एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ए में है लिफ्ट, बी में कागज रोलिंग मिलों में, सी में एसी से डीसी कन्वर्टर और डी में है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो इसका उत्तर है डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? ए में है तांबे के नुकसान को कम करना, बी में वायु हानि को कम करना, सी में हंटिंग के प्रभाव को कम करना और डी में वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। तो इसका सही आंसर है सी हंटिंग के प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की गणना का फॉर्मूला है। ए में वी फुल लोड माइनस नो लोड बटा फुल लोड इंटू 100, बी में वी नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100, सी में वी नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड इंटू 100 और डी में वी फुल लोड माइनस वी नो लोड बटा वी नो लोड इंटू 100। तो इसका आंसर है बी वी नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100।